चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेडियस रेशो। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि रेडियस रेशो की जरूरत क्यों है, ये क्या होता है, ठीक है? तो चलिए, और एक कहाँ अप्लाई होता है ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा जिसको ध्यान से आपको लिखना है, उसके बाद मैं आपको इनको समझाऊंगा, फिर मैं आपको रेशो बताऊंगा, ठीक है? सो चलिए मेरे साथ लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेडियस रेशो। तो मैं यहां लिखता हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? सो लिखिए मेरे साथ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर क्या सिर्फ देखने से काम चल जाएगा, तो मैं बहुत बार कहता हूँ देखने से काम नहीं चलेगा। आप कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो और इन पॉइंट्स को मेरे साथ साथ लिखो, क्लास की फीलिंग लो, ठीक है? और क्लास में कैसा होता है, सिर्फ बैठ के देखना थोड़ी होता है, आपको लिखना भी होता है। तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे इन नोट्स को, वैसे तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आप कॉपी में साथ साथ लिखो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे कॉपी जो नोट्स वो अभी बना रहे हैं वीडियो को देख देख के, उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि कॉपी पेन लेके बैठो, ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है। और एक्चुअल में फिजिकल क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है। और अगर वो आपको ऑनलाइन में समझ में आ गया कि हमें वीडियो देखते देखते नोट्स डिक्टेट करने हैं, बनाने हैं, तो बस आप समझ लो कि आपको फिजिकल क्लास का फीलिंग मिलना शुरू हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? सो अभी वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट से कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और बैठ जाओ, और मेरे साथ टॉपिक का नाम लिखो रेडियस रेशो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? सो चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए रेडियस रेशो हम लोग किसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ओनली फॉर, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाया जाता है, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स, ये कॉन्सेप्ट जो है ना सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में लगाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो रेडियस रेशो, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रेशो है कैटायन टू एनायन, और कुछ है नहीं। आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब, जैसे कि हम लोग बात करें NaCl के एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके लिए लगा सकते हो, KCl के लिए लगा सकते हो, ZnS के लिए लगा सकते हो, CF2 के लिए लगा सकते हो। सो ये ऐसे कंपाउंड एक्सेट्रा जो भी हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो कैटायन और एनायन अवेलेबल हो, उन कंपाउंड्स के लिए हम लोग, यानी आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग ये रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबको समझ में आ गया? पहली चीज़ तो ये। अब ये होता क्या है, जरा ध्यान से उसको देखो। सेकेंड पॉइंट ये है, नाउ व्हाट इज रेडियस रेशो। देखिए रेडियस रेशो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल में क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि रेडियस रेशो का मतलब ही क्या होता है। रेडियस रेशो को हम लोग किससे लिखेंगे, रेडियस रेशो को हम लोग लिखेंगे RR से, रेडियस रेशो विच इज इक्वल्स टू, देखिए रेडियस रेशो को RR से लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ कैटायन रेडियस टू द एनायन रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटायन का जो भी रेडियस होएगा और एनायन का जो भी रेडियस होएगा आयनिक कंपाउंड में, उसी के रेशो को हम लोग रेडियस रेशो बोलते हैं। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया? सो ये सिंपल सा, इसीलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड के लिए लगाया जाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब थर्ड पॉइंट क्या है, विच इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, इसको समझने की जरूरत है। अब आगे का सीन बहुत ही स्पेशल है, दैट इज अगर इसको हम लोग रेडियस रेशो बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, अगर कैटायन का रेडियस ज्यादा हुआ तो रेडियस रेशो भी क्या होगा, ज्यादा। ये तो सबको समझ में आ रहा है, कैटायन का रेडियस ज्यादा हुआ तो रेडियस रेशो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो सबको फॉर्मूले से ही दिखाई दे रहा है। और एनायन का रेडियस ज्यादा हुआ तो रेडियस रेशो कम होगा, बट हम लोग डील करेंगे इससे स्पेशली, ठीक है? कैटायन का रेडियस ज्यादा हुआ तो रेडियस रेशो भी ज्यादा होगा। अब रेडियस रेशो के ज्यादा या कम होने से क्या होता है, जरा उसको हम लोग समझें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इलेबोरेट करके हम लोगों को आगे समझने की जरूरत है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली अगर रेडियस रेशो ज्यादा होता है, यानी कि कैटायन का रेडियस ज्यादा होता है, ऑब्वियसली तब रेडियस रेशो ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में हम लोगों को बात करनी है स्पेशली। हम चाहें तो आप उल्टा भी बोल सकते हो, एनायन का रेडियस कम होगा तो भी रेडियस रेशो ज्यादा होगा, लेकिन हम ऐसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? जनरली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हो, आप सब लोगों को पता होगा। एक और पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट आपको मालूम होना चाहिए कि जो एनायन का रेडियस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैटायन रेडियस। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर, कैटायन रेडियस हमेशा कम होता है, क्योंकि कैटायन कब बनता है, आप जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो साइज जो होता है वो ओन श्रिंक होने लगता है। सिंपल सी बात है, और ड्रेस्टिक फर्क पड़ता है। आपको एक और बात बता देता हूं, जब भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है,
तो रेडियस पे ड्रेस्टिक फर्क पड़ता है, ड्रेस्टिक मतलब अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। इसलिए हम लोग यहां पर एनायन पे बात ना करते हुए कैटायन के ऊपर बात करेंगे। सबको समझ में आ गया, इस पॉइंट पे फोकस किया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा रेडियस रेशियो के कॉन्सेप्ट में। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लोगे तो ईजी हो जाएगा और इसको मैं यूज भी करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो फाइनली हम ये जानते हैं कि जो एनायन का रेडियस होता है वो कैटायन के रेडियस से ज्यादा होता है, एज वी नो। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग निकालते क्यों हैं, उसका रीजन क्या है, तो मैं आपको यहां पे लिखता हूं, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। सो फाइनली जरा ध्यान से देखो, अगर रेडियस रेशो आयनिक कंपाउंड के लिए ज्यादा है, ध्यान से समझिए, इफ द रेडियस रेशो इज हाई, ठीक है, लिख लीजिए, इफ द रेडियस रेशो इज हाई द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। रेडियस रेशो अगर ज्यादा है तो ये कंफर्म है कि यहां पर आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होगी, लेटिस की स्टेबिलिटी, वो भी क्या होगी, हाई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आप स्टार लगा लो। अब इसी चीज को हमें आगे समझने की जरूरत है। सबको समझ में आ गया, अगर रेडियस का रेशो हाई है किसी आयनिक कंपाउंड के लिए तो उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं और इसको मैं समझाऊंगा भी, और ये बहुत सारे एग्जाम में सीधे पूछे जाता है। एक और पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 6, दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, आप जरा दिमाग लगाइएगा, खैर मैं उसको आगे समझाऊंगा भी। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, इफ द रेडियस रेशियो इज हाई, मतलब अगर मैं कहूं कि यहां पर रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो ज्यादा है, तो कैटायन अगर बड़ा है, जरा सोचिए, आप खुद से दिमाग लगाइए कि एक कैटायन में कहूं इतना ही है और एक कैटायन में कहूं ये है, तो बताइए ज्यादा एनायन किसको सराउंड करेंगे, ऑब्वियसली बड़े वाले को, क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है ना, तो ज्यादा एनायन इसको सराउंड कर पाएंगे, तो ज्यादा एनायन अगर सराउंड कर पा रहे हैं, यहां देखिए कितने एनायन लगा सकते हो आप, बहुत सारे दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ गया, जबकि छोटा होगा तो कम ही लगा पाओगे ना, इसी साइज के कम लगा पाओगे, ये देखिए तीन ही लगा पाए, तो इसका मतलब अगर कैटायन की साइज छोटी होती है, ठीक है, तो कम एनायन उसको सराउंड कर पाएंगे। नाउ दिस इज कैटायन एंड दीज आर एनायंस, और अगर कैटायन का साइज बड़ा होता है तो उसको ज्यादा एनायन सराउंड कर पाएंगे। अब सराउंड का मतलब उसको टच कर रहे हैं किसको, कैटायन को, यस और नो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, हाई। तो अब देखिए यहां बहुत इंटरेस्टिंग, अगर रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, या फिर हम लोग कहें यहां पे कि रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, हाई होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा क्यों होता है, देख लिए, दो एग्जांपल तो मैंने यही दे दिया आप लोगों को, ध्यान से देखो, ये छोटा है साइज में कैटायन, तो तीन ही एनायन इसको सराउंड कर पा रहे हैं, जबकि ये बड़ा है तो उसको उससे ज्यादा सराउंड कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, और ज्यादा टच कर पा रहे हैं तो नेबरिंग एटम ज्यादा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होएगा, ठीक है। सो ये 6 पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया। अब इस थ्योरी को अप्लाई करने से पहले हमारे कुछ अजम्पशन है, और वो अजम्पशन ऐसे ही नहीं है, हालांकि एटम को तो किसी ने देखा नहीं है, बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, लेकिन वो अजम्पशन भी बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लेकर आए गए हैं। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड में रेडियस रेशो अप्लाई करने से पहले तीन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब कैटायन और एनायन आपस में किस वे से सराउंड होने चाहिए, उसकी तीन कंडीशन उन्होंने बनाई है ताकि क्या हो, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। वो तीन कंडीशन कौन सी है उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब ये तीन कंडीशन अगर कोई आयनिक कंपाउंड फुलफिल करता है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल है, उसका लेटेस्ट बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल है, और वो तीन कंडीशन कौन सी है मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। सो ये तो हो गए 6 पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। नाउ विल टॉक अबाउट द 3 पॉइंट्स, ठीक है, थ्री पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। तो अब ये 3 पॉइंट जो है वो हमें आगे लेके जाएंगे। सो चलिए गाइस, उन 3 पॉइंट को देखते हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था। सो फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट लिखिए मेरे साथ, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन
assume to be spherical in shape, assume to be spherical in shape, and must be touching each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया है वो क्या है, जरा ध्यान से इसको समझे। सबसे पहले तो आपको कैटायन और एनायन को कैसा मान के चलना है, स्फेरिकल मान के चलना है, हार्ड स्फेयर मान के चलना है, जो कि खैर हम मानते ही हैं, यहां पर डायग्रामेटिकली भी हम लोग ऐसा ही यूज करते हैं। दूसरा, कैटायन और एनायन को आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे को टच करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, लिखिए मेरे साथ, एनायन जनरली ठीक है will not touch to other anion. देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली एनायन जो है दूसरे एनायन को क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं होगा, ये जनरली ऐसा होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर देखिए, वैसे तो मैंने यहां पर एक दूसरे को टच करते बनाया, लेकिन जनरली ऐसा होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होना चाहिए कि एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करना चाहिए। ऐसा होगा, जरा ध्यान से देखा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, बेसिकली रिपेल करेगा। तो यहां रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब, अगर आप चाहते हो कि यहां पर एक आयनिक कंपाउंड स्टेबल हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जनरली एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करेगा। सबको समझ में आ गया, ये सेकंड पॉइंट है। जितना ज्यादा आप स्टेबल बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या जरूरत है, सबसे पहले तो कैटायन और एनायन स्फेरिकल मानने और एक दूसरे को टच करते हुए मानने, कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करें। लेकिन यहां पर एनायन और एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जनरली ऐसा होता है। सबको समझ में आ गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे। ये तीन कंडीशन कौन सी है, मैसिव स्टेबिलिटी के लिए। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली जरा ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा। थर्ड पॉइंट यहां पर यह बनेगा दैट कैटायन मस्ट सराउंड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। सो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से इसको चेक करो। इफ यू वांट कि आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, तो उसके लिए कैटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से क्या होना चाहिए, सराउंड, दैट्स इट, जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि कैटायन की जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको रिड्यूस कौन करेगा, एनायन। तो जितना ज्यादा कैटायन जो है एनायन से सराउंड रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यह आपको सबको समझ में आता है। सो फाइनली ये मतलब निकलता है, और अगर ये तीन पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो कैटायन और एनायन को आपको कैसे एंज्यूम करना है, स्फेरिकल, हार्ड स्फेरिकल शेप में अज्यूम करना है, और कैटायन और एनायन आपस में टच करते हुए होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनायन जनरली दूसरे एनायन को टच नहीं करेगा फॉर मोर स्टेबिलिटी। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो कैटायन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से सराउंड रहना चाहिए, ताकि एनर्जी डिक्रीज हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ने लगे। सबको समझ में आ गया। तो बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, और ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है उनको ध्यान में रखते हुए, हम लोग रेडियस रेशियो को पढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसको ध्यान से देखो, आगे बढ़ने से पहले एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो क्या लिखा है, और उसके बाद आगे की वीडियो देखना। टिल देन स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि रेडियस रेशो आयनिक कंपाउंड के लिए बेसिकली किस तरह से मायने रखता है और निकालते कैसे हैं, ठीक है। सो बड़े ध्यान से पॉइंट को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो रेडियस रेशो कैलकुलेट करते हैं, अभी पढ़ के आए हैं कि आयनिक कंपाउंड के लिए करते हैं, लेकिन उसमें खास बात देखिए, आपको पता है आयनिक कंपाउंड में, अभी थोड़ी देर पहले ही आप पढ़े हो कि जो एनायन होता है बेसिकली, ठीक है, एनायन का साइज बड़ा होता है, जो जिसका साइज बड़ा होता है उससे तो आप पैकिंग बनाते हो, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसका साइज और अभी जनरली बड़ा होता है उससे आप पैकिंग बनाते हो। पैकिंग का मतलब कौन कौन सी पैकिंग, जैसे कि FCC, जैसे कि HCP, जैसे कि BCC, ये पैकिंग ही तो है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो, इनको पैकिंग बोलते हैं। तो जो बड़ा होता है साइज में वो तो बनाता है पैकिंग, और छोटा कौन होता है, केटायन। और अगर केटायन छोटा होता है तो केटायन क्या करता है, केटायन जाता है वॉइड के अंदर, क्योंकि ये छोटा है। ये ऐसा ही है कि ये लड्डू है जी और ये बादाम है, तो अगर किसी डब्बे में आपको पैकिंग करनी हो तो आप क्या करते हो, पहले बादाम थोड़ी डालोगे, खुद से देखो भाई, आप चाहते हो कि मैं, आपने, मम्मा ने आपको ये दिया बॉक्स, अब उसके अंदर आपको क्या करने हैं, लड्डू डाल के और बादाम डाल के भेजने। फेस्टिवल का सीजन है, सपोज आपको ये काम करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बादाम थोड़ी बिखेर दोगे, लड्डू का साइज बड़ा है तो आप सबसे पहले लड्डुओं को अरेंज करोगे। तो ये तो हो गए हमारे एनायन, जो कि क्या बनाएंगे, यहां पर पैकिंग बना देंगे। उसके बाद जो वॉइड बच रहे हैं उसके अंदर आप क्या डाल दोगे, बादाम। तो ये छोटे छोटे जो वॉइड बच रहे हैं यहाँ पे आप बादाम फिक्स कर दोगे और जगह को कंप्लीटली भर दोगे, यही तो काम करोगे ना पैकिंग बनाने के लिए, खुद से दिमाग लगाओ। तो ऐसा ही होता है, एनायन से आप पैकिंग बनाते हो और केटायन से आप क्या करते हो, वॉइड्स को फिल करते हो। यही है यहां पर क्रिस्टल को बनाने का तरीका, सबको समझ में आ गया। अब चलिए, अब जरा ध्यान से उसको देखिएगा, तो हमें यह मालूम पड़ गया। अब यहां पर तीनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। पहली कौन सी है कि यहां पर केटायन और एनायन को आपको कैसा मानना है, स्फेरिकल एक दूसरे को टच करते होने चाहिए, अगर स्टेबिलिटी को आप ज्यादा चाहते हो तो। दूसरा कौन सा है, दूसरा यह कि एनायन और एनायन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा चाहते हो तो। और तीसरा कौन सा है कि केटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से क्या होना चाहिए, सराउंड। अब रेडियस रेशो कैसे निकाला गया और किस तरह से वॉइड्स यहां पर यू नो मायने रखते हैं, जरा उसको ध्यान से समझें। चलो सोफे दिमाग में रखना है, अब जरा ध्यान से देखो। मैं मानता हूं, अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यह कहा था कि आपको एनायन किसी एक के साइज को फिक्स रख के चलना है, तो हम लोग एनायन के साइज को क्या करेंगे, फिक्स रख के चलेंगे। एनायन बड़ा होता है साइज में तो ये एनायन को मान के चलेंगे, केटायन के साइज को वेरी करेंगे और हम लोग रेडियस रेशो निकालेंगे, ठीक है। केटायन के साइज को वेरी करेंगे, अभी बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, और वेरी करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग यहां पर रेडियस रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। सबको समझ में आ गया, अब जरा ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि हमारा जो केटायन है ना वो एकदम ऐसे डॉट के जैसा है, बहुत ही छोटा है। अब आप जरा सोचो, अगर आपका केटायन का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ऑब्वियसली रेडियस रेशो भी क्या होएगा, लो होएगा, स्टेबिलिटी भी उसकी लो होएगी। अब ऐसा सवाल है, उसका जवाब देता हूं, ऐसा क्यों हुआ, उसका रेडियस रेशो लो होएगा, स्टेबिलिटी भी उसकी लो होएगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होएगा। अब आप खुद से ही सोचिए, मैं चाहता हूं कि इस छोटे से यहां पर जो पॉइंट दिया है वो ये बड़ी बड़ी बॉल उसको घेर के खड़ी हो जाए, तो आप खुद से करके देखना घर पे कितना पॉसिबल है, खुद से दिमाग। आप एक क्या करना, घर पे छोटा सा स्फेयर लेना और एक बड़े बड़े बॉल्स ले लेना। अब छोटे से स्फेयर को कितने बड़े बॉल घेर के रख सकते हैं, देखो आप जरा ध्यान से देखो, तीनों अगर कंडीशन फुलफिल करनी है तो सिर्फ दो ही होंगे जो इसको घेर के खड़े होंगे, इतने बड़े बड़े बॉल्स लगा के देख लो, क्या कोई तीसरा बॉल, या देखो अगर आपने तीसरा बॉल लगाया तो क्या इसको टच नहीं करेगा, दिमाग लगाओ, अगर आपने कोई तीसरा बॉल लगा दिया तो एक दूसरे को टच नहीं करने लग जाएंगे, और अगर एनायन एनायन एक दूसरे को टच करें तो स्टेबिलिटी तो कम हो गई, इस चीज को समझो। मतलब अगर केटायन का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना तीनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो लीनियर होगी, सबको समझ में आया, लीनियर होगी, खुद से ही दिमाग लगा लो ना। तो फाइनली अगर आपने इस छोटे से पॉइंट को घेर के तीनों पॉइंट फुलफिल करना चाहते हो, कौन से, कि एक तो एनायन और एनायन एक दूसरे को टच करने नहीं चाहिए, दूसरा केटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से घिरा हुआ होना चाहिए, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो सिर्फ दो ही घेर के खड़े हो पाएंगे, तीसरा अगर यहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करेगा तो तीनों एक दूसरे को टच करेंगे, आप खुद ही घुसा के देख लो, इफ यू वांट कि कोई तीसरा आए बॉल और इस केटायन को टच करे तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे, तो तीनों टच करेंगे एक दूसरे को तो स्टेबिलिटी तो घट गई ना, खुद से दिमाग लगाओ, आया समझ में। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका रेडियस रेशो कम है तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एनायन क्लाउड जो है, अगर तीसरा घुसाने की कोशिश करोगे तो एनायन क्लाउड क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, वहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करेंगे धीरे धीरे, अब इसका मकसद क्या है, सिंपल काम है, धीरे धीरे केटायन के साइज को बढ़ाओ,
आपका रेडियस रेशियो बढ़ने लगेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। अब मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब अगर मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करा, ये देखो थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया बड़ा, कैटायन का साइज हो गया बड़ा। ये कैटायन देखिए पहले बहुत ही छोटा था, ये बीच में लगा हुआ है, अब कैटायन मैं लिख देता हूं प्लस यहां पर देखिए, और ये क्या है एनायन। तो पहले तो पॉइंट के जैसा था और एनायन बड़े थे, अभी मैंने कैटायन को कर दिया वेरिएशन में थोड़ा सा बड़ा। मैंने आपको कहा था कि कैटायन को मैं वेरी करूंगा, एनायन वैसे ही है। अब जरा देखो थोड़ा सा बड़ा होते ही अब दो के वहां पर तीन इसको सराउंड कर पाएंगे आसानी से। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ऐसे करके तीन इसको सराउंड कर पा रहे हैं, ध्यान से इसको देखना, ये तीन ये ऐसे सराउंड कर पा रहे हैं कि ये है तो एक दूसरे के एनायन होंगे एक दूसरे के पास, लेकिन एक दूसरे को ना बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस पर रहेंगे, एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे जिसपे वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इस चीज को समझिएगा, मतलब अपने को इस तरह से वो एडजस्ट कर पा रहे हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और फाइनली वो वहां पर तीन एडजस्ट हो गए। ऐसा पॉसिबल है ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इतना साइज कैटायन का बढ़ा दो कि एनायन उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ध्यान से उसको देखो, कैटायन के साइज को इतना बढ़ा दो कि एनायन उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां वो क्रिटिकली तीनों सिचुएशंस को फुलफिल कर रहा होगा। कैसे, आप देखिए एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन हालांकि एनायन एक दूसरे के पास बहुत है, सबको समझ में आ गया, लेकिन टच तो नहीं कर रहे, तो हमारी एक सिचुएशन तो फुलफिल हो गई। तो इस सिचुएशन को, एक सिचुएशन कौन सी कि एक एनायन दूसरे को टच ना करे, वो एक दूसरे के पास हो सकते हैं लेकिन दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, वो फुलफिल हो गई। दूसरा एनायन कैटायन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से क्या होना चाहिए सराउंड, ये भी फुलफिल हो गया, स्फेरिकल तो आप मान ही रहे हो, सबको समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन को क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन। अब ये क्रिटिकल सिचुएशन से आगे जो पॉसिबिलिटीज है बहुत अच्छी होती जाएंगी, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे ये दूरी बढ़ती जाएगी और लोग आते जाएंगे। खुद से देखो, अगर मैं साइज और बढ़ा दूं तो और ज्यादा सराउंडिंग बढ़ेगी, और ज्यादा सराउंडिंग बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो, तो खैर कैटायन के साइज पे ही डिपेंड करता है, तो रेडियस रेशियो तो बढ़ने लगेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, सबको समझ में आ गया। तो अब देखिए इस क्रिटिकल सिचुएशन जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, जरा ध्यान से उसको देखिए। मैं मान लेता हूं, अब यहां से मैं कैलकुलेशन शुरू करूंगा, सबको समझ में आ गया। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमने जो यहां पर कैटायन लिया है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है छोटा है इसलिए स्मॉल आर, सबको समझ में आ गया। और जो हमने एनायन लिया है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, अब इस चीज को इमेजिन करके देखो खुद से, छोटा डॉट था तो दो ही लोग एक दूसरे को सराउंड कर रहे थे, थोड़ा मैंने यहां पर कैटायन के साइज को बढ़ा दिया तो तीन एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं। अब बताइए कि इस तरह के वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड नहीं बोलते हैं क्या, बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर सिचुएशन पे एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, एडजस्ट किए हुए हैं। अब इसके लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो आपको मैं एक के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं, आप समझ जाओगे फिर आगे की कैलकुलेशन कैसे है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अगर यही सिचुएशन है तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, ये तो आपको पता ही है कि ये एनायन है। अब यहां से इसके मिड पॉइंट से, किसके, कैटायन के मिड पॉइंट से एनायन के मिड पॉइंट तक मैं एक लाइन खींचता हूं इस तरह से। ये देखिए क्या ये एक ट्राइंगुलर सिचुएशन तो बनी रही है, देखिए यहां पर ट्राइंगुलर सिचुएशन तो बनी रही है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और बीच में है कैटायन। अब कैटायन के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन खींचा यहां तक, तो अब बताइए मिड पॉइंट से अगर मैं कैटायन के मिड पॉइंट से एनायन के यहां पर मिड पॉइंट तक जा रहा हूं तो बताइए कि ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, खुद से दिमाग लगाइए। दिस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, येस और नो, सबको मालूम पड़ रहा है, यहां से खुद से दिमाग लगाइए ना कि यहां से यहां तक तो स्मॉल आर और उसके आगे तक क्या है कैपिटल आर, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसको मैं अलग से बना देता हूं, ये लीजिए ये यहां पर ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, सबको मालूम पड़ा। अब आप खुद से सोचिए कि इस ट्रायंगुलर पोजीशन पे ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का, तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का, ये देखिए खुद से अज्यूम करके देखिए। और अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं कैटायन के इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर, परपेंडिकुलर डाला मैंने, ये लीजिए मैंने सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब आप देखिए यहां पर ट्राइंगल ऐसा कुछ बन गया, तो बताइए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो हमें पता ही है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, तो यहां पर ये कैपिटल आर हो गया। खुद से एज्यूम करके देखिए, तो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगुलर सिचुएशन हो गई,
ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो यहां पर मैं कह नहीं सकता हूं, अगर आप मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़े हो तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है, और ये क्या है, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको ये तो पता है ना कि यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस मैं सीधे लिख देता हूं, एच, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इन दोनों के बीच का एंगल 30 है, तो ये किसके बराबर होगा, कोस 30 डिग्री। ये तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये हमको हिंदी में ऐसे पढ़ाया जाता था, लाल कक्का, मैं आपको बता देता हूं, लाल कक्का, ठीक है। तो यहां पर होता था साइन, यहां पर होता था कोस, यहां पर होता था टेन, यहां पर होता था कोट, यहां सेक और यहां कोसेक, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं। तो जब भी आप आधार और कर्ण लेते हो, यानी कि बेस और हाइपोटेनस का रेशो लेते हो, यहां पे देखो बेस और हाइपोटेनस का रेशो कोस एंगल के बराबर होगा। तो ऐसे करके मैंने आपको यहां पर अज्यूम करवाया। तो बताइए सबसे पहले तो बेस में क्या है, आर, हाइपोटेनस में क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, उसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है। सो ये किसके बराबर होगा, दैट इज कोस 30, ठीक है। हमको समझने से मतलब होना चाहिए, लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, समझ में आई थिंक आप लोगों को आ रहा होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जो हमें हमारी क्लासेस में सिखाई जाती थी, जो मैथ्स की क्लास होती थी, इसको लाल कक्का बोलते हैं, राजस्थान में ऐसा कुछ होता है, बाकी स्टेट्स में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। तो ये तरीका है, लाल कक्का याद रखोगे तो साइन कोस, कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बेस हमारा आर है, हाइपोटेनस हमारा आर प्लस स्मॉल आर है, उसको कोस 30 के बराबर रख दिया, रख दिया। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां से कैलकुलेशन करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, कोस 30 की वैल्यू होता है रूट 3/2, याद है आप लोगों को, ये किसके बराबर आया, आर प्लस स्मॉल आर, क्लियर है। अब यहां से क्या करिए आप, यहां पर ये जो रूट 3/2 आर होगा उसको इधर लेके जाइए, तो फाइनली यहां कितना होगा, आर माइनस रूट 3/2 R, which is equals to small r, yes or no? So, अब यहां से क्या करोगे, यहां से R को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है, R कॉमन निकाल लिया, which is equals to क्या हुआ, R, और हमें तो यहां पर क्या करना था, cation to anion radius ratio निकालना था। तो यहां पर देखो cation to anion radius ratio, small r upon, क्या करोगे, capital R, ठीक है, यही तो ratio निकालना था, उस capital R को वहां ले गए, that is equals to 1 minus root 3/2, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की 0.155। अब आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। सो फाइनली क्रिटिकल सिचुएशन जिसके बाद आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, ठीक है, यानी कि ट्रायंगुलर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, उसके लिए हमारे पास रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, 0.155। सबको समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं, देखिए, मतलब इसके बाद सिचुएशन जो है ट्रायंगुलर वॉइड में चली जाएगी, क्लियर हो गया। तो यहां पर बस इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, मैं हर एक वॉइड के लिए कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहां पर कि कैलकुलेशन हुई कैसे रेडियस रेशियो की, क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर ट्रायंगुलर सिचुएशन के लिए देखो, लीनियर से किधर गए ट्रायंगुलर, ये क्रिटिकल है, मतलब इसके बाद ट्रायंगुलर सिचुएशन बनते जाएगी, सबको समझ में आ गया। साइज और बड़ा करोगे तो ये तीन और अच्छे से एडजस्ट होंगी, और ज्यादा बड़ा करोगे तो और ज्यादा अच्छे से एडजस्ट करेंगी। अब जरा सोचो, साइज मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ले गया कैटायन का, जब इसको अब तीन नहीं, इसको चार सराउंड कर सकते हैं, समझ में आ गया, तो वो कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल। और अगर और बड़ा कर दिया मैंने इसका साइज, तो चार नहीं, उसको छह सराउंड कर सकते हैं, तो वो कौन सा वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो सब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कि कितने सराउंड करेंगे, वो कैटायन के साइज पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स इट। अब इस सिचुएशन को समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे कि यहां पर इसी तरह से आपको एक ट्रायंगल बनाना है, कैलकुलेशन करनी है, और आपको रेडियस रेशो कैलकुलेट करना है। मैंने एक के लिए कैलकुलेट करके दिखा दिया, अब मैं आपको सीधे रेडियस रेशो बताऊंगा कि क्रिटिकल सिचुएशन के बाद आगे आगे कौन कौन सी शेप्स होंगी और उसके लिए रेडियस रेशो क्या होंगे। और एक्चुअल में वही हमारे काम का, ये कैलकुलेशन हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि रेडियस रेशो कैसे निकला। यहां से एक बात तो तय है कि सिर्फ अगर लीनियर सिचुएशन आ रही है तो उसके लिए रेडियस रेशो क्या होना चाहिए, यहां पर रेडियस रेशो होना चाहिए कितना, किसके बीच में, 0.155 से 0 के बीच में। खुद से सोचिए, 0 टू 0.155 में लीनियर सिचुएशन बनेगा, क्योंकि 0.155 और इसके ऊपर तो कौन सा वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ट्रायंगुलर। सबको समझ में आ गया, सो ऊपर कितना ये हमको सोचना है, मतलब 0.155 और रेडियस रेशो आगे कितना होगा, बस ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबको समझ में आ गया कि वहां पर ट्रायंगुलर सिचुएशन बनेगी, मतलब यहां पर जो एनायन है ट्रायंगुलरी सिचुएट करेंगे और वॉइड क्रिएट होगा, वहां पर कैटायन रहेगा,
क्लियर हो गया, बस उसी को रेडियस रेशो बोलते हैं। मतलब और एक वक्त ऐसा आएगा कि साइज इतना बड़ा हो गया, आप तीन नहीं, अब उसको चार सराउंड कर पाएंगे। जब चार सराउंड कर पाएंगे तो फिर वो कौन सा वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, टेट्रा। और अगर और साइज बढ़ा दिया, छह सराउंड कर पा रहे तो वो सिचुएशन कौन सा होगा, ओक्टा। और जनरली देखा गया है पांच सात नौ, इनके लिए जो हमारी सिचुएशन है तीनों की तीनों कंडीशन है फुलफिल नहीं होती। इसलिए किस किस के लिए सिचुएशन फुलफिल होती है, एक तो लीनियर मतलब दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए। दो तीन चार क्या कह रहा हूं कि कितने एनायन सराउंड कर रहे हैं, अगर दो एनायन सराउंड कर रहे हैं तो हमारे पास लीनियर हो गया। अगर तीन, एक कटायन को तीन एनायन सराउंड कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। अगर एक कटायन को चार एनायन सराउंड कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, टेट्रा हो गया। अगर एक कटायन को छह एनायन सराउंड कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, ओक्टा हो गया। सबको समझ में आ गया इस तरह से। और ये सिचुएशन की रेडियस मैं अभी आपको रेडियस रेशो थोड़ी देर में बताता हूं, टिल देन फटाफट से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सीधे बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, वो किसी काम की भी नहीं है, इसलिए वो रेडियस रेशो ही आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब मैं आपको टेबल बनवा देता हूं हर एक सिचुएशन के लिए। मतलब लीनियर के लिए रेडियस रेशो क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, रेडियस रेशो कितना वेरी कर सकता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। और एक्चुअल में कैलकुलेशन हमारे इसलिए काम की नहीं है कि अगर आपको मैंने बता भी दी उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको रेडियस रेशो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप वहां पर ड्राइव करने बैठ गए तो टाइम खराब होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी टेबल है और बहुत सिंपल है, इस टेबल को याद रख लो बजाय डेरिवेशन याद रखने के। सो टेबल को याद रख लो, और उसके लिए क्या करना है आपको, कॉप एक पेज ले लो और उस पर इसको लिख लो और अपनी टेबल पे उसको चिपका लो, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, बेसिकली बस उसको देखते रहो, आपको अपने आप से रेडियस रेशो याद हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, और एकदम एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता, वो रेंज बताते हैं आपको, उस रेंज में अगर आपको ध्यान रह गया तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, ठीक है। तो वो टेबल कैसे, जरा ध्यान से इसको देखो, मैं यहां पर तो लिखूंगा, यहां पर कैटायन एनायन टू कैटायन सिचुएशन, एनायन ठीक है टू कैटायन सिचुएशन, मतलब वो किस शेप में अरेंज है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था लीनियर, ट्रायंगुलर, ठीक है, टेट्राहेड्रल, वो यहां लिखूंगा, और यहां पर मैं रेडियस रेशो का रेंज, एक्चुअल में वो रेंज ही होता है, उसी रेंज में अगर अरेंज है इसका मतलब उसकी शेप वैसे ही होगी कैटायन और एनायन की। तो सिंपल सा टेबल है, वो मैं आप लोगों को बना देता हूं। देखिए सबसे पहला लीनियर, लीनियर का क्या मतलब है कि यहां पर मैं आपको शेप भी बना देता हूं, ये देखिए यहां पर शेप भी बना बना के दिखा दूंगा कि लीनियर कब होएगा, जब ये छोटा सा कैटायन हो और उसको सिर्फ दो एनायन क्या किए हो सराउंड, तभी सिचुएशन फुलफिल होंगी। और इसकी रेंज कितनी बनेगी वो आपको ध्यान रखना, अभी मैंने ड्राइव भी करके बताया है, बेसिकली 0 0 2, ठीक है। रेडियस रेशो यहां लिख देता हूं, ये कितना बनेगा 0.155, ये तो मैंने अभी बताया ही आपको, 0 to 0.15 तक, ये 0.155 तक ये बनेगा, क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर के बाद ट्रायंगुलर। अभी हमने देखा साइज धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो दो से तीन हो जाएंगे घेरने वाले, तो उसकी सिचुएशन क्या बनेगी, ये 0.155 से तो शुरू होगा, ठीक है, रेडियस रेशो, ठीक है, रेडियस रेशो, और वो किधर तक जाएगा, 0.225 तक जाएगा, 0.155 से 0.225 तक ये जाएगा रेडियस रेशो। मतलब इस रेशो तक आपके सिर्फ तीन बोली घेर पाएंगी, लेकिन अगर इससे बड़ा हो गया रेडियस रेशो तो इसका मतलब तीन से चार बोल हो जाएंगी, ये मतलब निकलता है ना, दिमाग लगाइए। सो फाइनली थर्ड सिचुएशन कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल की सिचुएशन क्या होगी, इससे बड़ा, मतलब 0.225 से रेडियस रेशो किधर तक होना चाहिए, 0.225 से रेडियस रेशो होना चाहिए 0.414। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 0.225 से 0.414 तक रेडियस रेशो अगर रहता है तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि एक कैटायन को चार घेर के बैठे हैं टेट्राहेड्रली। आ गया समझ में, सबको क्लियर है, तो डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। उसके बाद देखिए फोर्थ सिचुएशन क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल के बाद क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में छह होती है ये तो आपको पता है, छह बोल्स घेर के रहेंगी, उसके लिए रेडियस रेशो क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, 0.414 से लेके किधर तक बनेगा, ये होगा 0.732। बस ये 0.414 से 0.732 का, 732 तक का अगर रेडियस रेशो रहता है तो इसका मतलब छह बोल्स घेर के रखेंगे। सबको समझ में आ गया, छह से ज्यादा अगर जाते हो आप तो सीधे सिचुएशन कौन सी बनेगी, बीसीसी वाली,
क्लियर हो गया, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जहां पर 8 बॉल घेर के रहती थी, आप लोगों को पता होगा। सो फाइनली उसके लिए रेडियस रेशो कितना होगा, दैट्स इट 0.732 से लेके ठीक है 1 तक, ये लीजिए, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ऊपर होगा तो एफसीसी पैकिंग में चला जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये सिंपल सा रेडियस रेशो का यहां पर मैंने रेंज आपको क्लियर कर दिया, यही है रेडियस रेशो। धीरे धीरे आपके टैन के साइज को बढ़ाते जाइए, नंबर ऑफ सराउंडिंग एनायन बढ़ते जाएंगे, जिससे सिचुएशन अलग अलग क्रिएट होंगी वॉइड के रिस्पेक्ट में, लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और बीसीसी, और ये उनकी रेंज होती है। सो फाइनली गाइज ये रेडियस रेशो हुआ, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइज मैं आपसे अब एक ही बात बोलता हूं, देखिए यहां पर सब चीजें पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, वीडियो जो चीज हार्ड है उसको एक बार और देखें, एक बार रिवाइज करें और उसके बाद उसको कॉपी में ध्यान से लिखें और होमवर्क बराबर करते रहिएगा। जैसे मैं आपको कल कमिट किया था कि मैं पी ब्लॉक के लेक्चर्स आप लोगों को अनअकैडमी में अपलोड कर दूंगा, गाइस कल मैंने 7 लेक्चर अपलोड किए 5 की बजाय, मैंने 5 का कमिटमेंट किया था, बट अब आपका कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, फटाफट से जाके उसको अनअकैडमी में कंप्लीट करो। आप जितना हार्डवर्क करोगे हम उतने ज्यादा एंथुजियास्टिकली आपके लिए काम करेंगे। तो आप बने रहो, शेयर करो वीडियोस को उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया, सो डू वर्क हार्ड। मैं एक एक चीज को आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप क्या करो, देखो सिंपल है, थ्योरी को अगर आप फंडामेंटली अप्लाई करोगे सीधे क्वेश्चन के ऊपर, थ्योरी ज्यादा समझ में आती है, बजाय हॉच पॉच क्वेश्चन लेने के आप सीधे आप क्या करो, बुक उठाओ, क्वेश्चन सोल्व हो रहे कि नहीं हो रहे थ्योरी से, वो इंपॉर्टेंट है। खुद से मत क्वेश्चन बनाओ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारा टाइम कितना है कि हमने जो थ्योरी पढ़ी उससे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकल रहे हैं क्या, या हमारे बुक के क्वेश्चन निकल रहे हैं क्या? अगर हमारे बुक के क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन निकल रहे हैं तो बस हमें उतना ही सोचना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना है, पीएचडी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको कंप्लीटली जितना रिक्वायर्ड था मैंने आपको पूरा समझा दिया, जितना एक्चुअल में जरूरत थी। तो याद रखिए, मुझे तो क्या है केमिस्ट्री पढ़ानी है, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सो मेमोरी की भी शॉर्टेज है, तो जितना जरूरत है 2 साल में जितना आता है ठीक है उतना पढ़ें, उससे ज्यादा अगर क्वेश्चन और आंसर चाहते हैं तो आगे आपको बच्चों पढ़ना ही है। इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ते हैं, मेडिकल वालों को खैर नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी फोकस ऑन द रिक्वायर्ड सिचुएशंस एंड कंडीशंस। सबको समझ में आ गया? सो इसके लिए क्या करो, डू वर्क हार्ड, फटाफट से क्वेश्चन जो है यहां पर जो होमवर्क दिया उसको देख लो और इन वीडियोस को शेयर करो। अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।